अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक और खैर खैरियत से होंगे। जी अल्लाह का शुक्र, करम है अल्लाह पाक का, मैं बिल्कुल ठीक और खैर खैरियत से हूँ। आप सब को बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। अल्लाह ताला हमें जुमे वाले दिन इबादत की तौफीक अता फरमाए और ये सहादत नसीब अता फरमाए और दुरूद पाक पढ़ना नसीब फरमाए। आमीन। जुम्मे वाले दिन बच्चों में स्पेशल आदत डालनी चाहिए कि वो दुरूद शरीफ पढ़ें, ये बहुत ही अच्छी खसूसियत है। खुद भी पढ़ें, बच्चों को भी पढ़ाएं। जी आज है मेन्यू, जुम्मे वाले दिन स्पेशल मेन्यू होते हैं, चावल चना बने हुए हैं और इसमें डला है किशमिश। देखें मैं दिखाती हूँ आपको, ये नज़दीक से दिखा रही हूँ, इतने ज़बरदस्त बने हुए चावल, टूटे हुए नहीं है न इस तरह से चिपकी हुई हैं, बिखरे बिखरे हैं। ये देखिए बिल्कुल बिखरे बिखरे, बहुत अच्छे बने हुए। और ये देखें साथ में चने और किशमिश, ये मैंने आपको पूरी प्लेट का क्लोजअप दिखा दिया। ये तो था स्पेशल मेन्यू जुम्मे का, क्योंकि जुम्मे में अमूमन 12:30 से लेकर 1 बजे तक लंच कर लेते हैं, सब दोपहर का खाना हो जाता है, सारों ने जाना होते हैं नमाज के लिए, बच्चे और मर्द हज़रात मस्जिद में जाते हैं और औरतें घर में नमाज के तमाम करती हैं, इसलिए दोपहर का खाना नमाज से पहले खा लिया जाता है। और इसके साथ है यानी चावल चना किशमिश और इसके साथ है सैलेड, देख सकते हैं जी। ये सैलेड है, खीरा कटिंग हुई और छिलका उतरा हुआ है इसका और ऊपर नमक लगा हुआ है। ये शाइनिंग शाइनिंग आपको नज़र आ रही है ना, ये नमक की वजह से। ऐड करना चाहिए आप प्याज भी ऐड कर सकते हैं, टमाटर भी ऐड कर सकते हैं और हरा प्याज भी, और साथ में दाल माश। देखें दाल माश में हरी मिर्च डली हुई है और दाल माश को पहले बॉईल किया गया, बॉईल करने के बाद मसाला बनाया गया यानी प्याज डाले गए, प्याज थोड़ा सा लाइट से हुए तो उसमें अदरक लहसुन डाल दिया और उसको अच्छी तरह से भून के नमक मिर्च सारा कुछ डाल दिया। जब नमक मिर्च मुकम्मल तौर पर, धनिया वगैरह सारा कुछ सही हो गया मसाला, तो उसमें टमाटर डाले, टमाटर के बाद ग्रेवी बनाई और उसके बाद उबली हुई दाल उसमें यानी बॉयल दाल उसमें डाल दी और फिर उसको अच्छी तरह से मिक्स किया। जो थोड़ा बहुत पानी रह जाता है दाल बॉयल करते हैं उबालते हैं दाल, तो वो उसके ऊपर डाल दिया, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा ही होता है, बहुत हो तो हाफ कप रह जाता है। फिर उसमें डालें और फिर थोड़े दम पे रखें, फिर इसमें हरा धनिया सारा कुछ डाल के ऊपर और फिर उतार लें और फिर ये देखें ये तैयार है जी, आप देख सकते हैं। ये है दाल माश, ये था सलाद खीरा, ये दाल माश और ये चावल चना विद किशमिश और ये है फ्रेश तंदूरी रोटी, अभी भी गर्म है। जी अब तो मैं लंच इंजॉय करने लगी हूँ, आपने भी जो बनाया बहुत अच्छा बनाया होगा, लाजमी बताइएगा क्या आपने बनाया और ये आज का आपको वीडियो कैसी लगी और आज का मेन्यू कैसा लगा, लाजमी कमेंट्स में बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी कीजिएगा।
वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा, और अगर आपने किसी और चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है या किसी और चीज़ के बारे में वीडियो देखनी है कुछ भी, तो आप लाजमी बताइएगा, शेयर करूँगी आप सबके लिए और इम्प्रूवमेंट के लिए, चैनल इम्प्रूवमेंट के लिए बताइएगा कि किस तरह से वीडियो आपको कैसी लग रही है। जी जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इजाज़त चाहूँगी, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।